नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च 2021 से लेकर 14 मार्च 2021 तक ये 7 दिन आपके जीवन में किस प्रकार का शुभ परिणाम लेकर आएंगे और क्या सावधानियाँ रखनी होंगी और क्या उपाय से हमें पूरे सप्ताह में आनंद मिल सकता है, ये सब जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस सप्ताह का आपका प्रतिशत कि कितने प्रतिशत ये सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी महिला पुरुष बच्चे अपनी राशि के अनुसार इस साप्ताहिक राशिफल को देखकर अपने सप्ताह को निर्धारित कर सकते हैं वक्त से पहले। तो आइए शुभारंभ करें ईश्वर के आशीर्वाद से। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, 7 मार्च 8 मार्च चंद्रमा धनु राशि में होंगे और दोपहर 3 बजे तक होंगे, 8 मार्च की दोपहर 3 बजे तक, और भाव होगा पंचम भाव। आपके लिए बढ़िया दिन है, आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया दिन है, कोई कंपटीशन, कोई परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम वगैरह है उसके लिए दिन बढ़िया है। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मेहनत का फल ठीक ठाक मिलेगा, यानी कि मेहनत करके निराशा नहीं होगी। आज प्रेम संबंध बनाने का दिन है, प्रेम संबंध में रूठे हुए को मनाने का दिन है, अपने प्रीतम के साथ प्रेम में डूब जाने का दिन है, वैवाहिक जीवन में रोमांटिक पल बिताने का दिन है, एक दूसरे की भावनाओं को, इच्छाओं को समझने का दिन है, समर्पण का दिन है। नौकरी करने वालों के लिए आगे आने वाला वक्त बढ़िया होगा, सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ेगी, परिवार में लोगों का आना जाना होगा, व्यापारी वर्ग की यात्रा संभव है, खेल कूद परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी वक्त बेहतर बना हुआ है, नौकरी में कोई बढ़िया खुशी मिलेगी, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं, समझदारी दिखाइएगा, सेहत बढ़िया, चेहरे पर जोश, हिम्मत और शानदार वक्त का स्वागत करिए। अब जानते हैं 8 मार्च 3 बजे के बाद का समय, 9 मार्च 10 मार्च 11 मार्च सुबह 10 बजे तक के समय की। मकर राशि में और छठे भाव में होंगे चंद्रमा, आपका दिन की शुरुआत बढ़िया होगी, 3 बजे तक सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा, संतान का सुख आपको मिलेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार 3 बजे तक सब ठीक ठाक चलेगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपको सावधानी रखनी शुरू करनी पड़ेगी, लापरवाहियों से बचना पड़ेगा। अगर आप अपनी सफलता को मेंटेन रखना चाहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, मुसीबतें कुछ बिगाड़ें या ना बिगाड़ें लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, बुरे वक्त में किस्मत बहुत कुछ देने वाली है आपको अगर आप सावधान हैं तो। आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है, व्यापारिक यात्राएं संभल कर करनी है, कोई भी चेक दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो उसको सही तरीके से जांच परख कर दें, सही व्यक्ति को दें, गलत व्यक्ति को ना दें, अपना काम बचाने के लिए अपने काम की जिम्मेदारियाँ दूसरों पर ना सौंपें। ऐसे समय में रूठे हुए मित्र को मनाने का एक बढ़िया दिन है, जीवन साथी या लव पार्टनर को कोई उपहार दें ताकि वो खुश रहे, यानी कि आपको अपने आसपास के वातावरण को बहुत खुशनुमा बनाना होगा ताकि कहीं से भी आपको कोई तकलीफ झेलनी ना पड़े। प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, मित्रता है, पार्टनरशिप है, मीठा बोलें, खुशियों को पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, वक्त से लड़ना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो आपकी शान और शौकत के खिलाफ हो, तो झुक कर चलेंगे तो कुछ बढ़िया हो सकता है, नहीं तो समस्याएं चारों तरफ बनी हुई हैं इन दिनों में। काम जो करें वो मन लगाकर करें, अपने काम में लापरवाही ना दिखाएं, अपने काम में क्या कहते हैं जी ना चुराएं, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें, नौकरी कर रहे हैं तो अपना कॉन्सेंट्रेट और पूरा ध्यान अपने काम पर लगा कर रखें, इधर उधर ताकी झाँकी ना करें, जलन और ईर्ष्या ना करें, पैसे को बेफजूल में खर्च ना करें इन दिनों में, जो दवाएं खानी है, जो एक्सरसाइज करनी है वो वक्त पर करते रहें, पैसा उधार दे नहीं, पैसा उधार ले नहीं, वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, बेफजूली से बचें, ये सब अगर सावधानियां रखें तो ये वक्त भी बढ़िया कट जाएगा।
अब बात करते हैं 11 मार्च सुबह 10 बजे के बाद का समय और आपका 12 और 13 मार्च शाम 6 बजे तक के समय की। चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, जीवन साथी का सहयोग और साथ मिलेगा, आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा, चाहे आप के अपने माता पिता हों या फिर आपके सास ससुर हों, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। विवाह में आ रही गड़बड़ियाँ या जो भी मतभेद थे या जो भी परिवार में दो लोगों के बीच में टेंशन थी, सास बहू की टेंशन थी या कोई और टेंशन थी, तो उससे भी निजात मिलती हुई दिखाई पड़ेगी और मौका आपको मिलेगा, अपना पक्ष रखने का मौका आपको मिलेगा, अपनी बात को रख कर अपने आप को सही साबित करने का। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि जो भी गतिरोध हैं पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप शादीशुदा जीवन की हो, प्रेम संबंध की हो, व्यापार की हो, मित्रता की हो या कोई और हो, तो वहां पर आप अपना पक्ष रख कर सबको बता देंगे कि आप सही हैं और इस बात को दुनिया मानेगी, तो आपके फेवर में चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आज आप काफी रोमांटिक मूड में होंगे, व्यापारियों को नया साझेदार मिल सकता है, दोस्तों को नया दोस्त मिल सकता है, जो लोग प्यार इश्क मोहब्बत में साथी ढूंढ रहे हैं उनको साथी मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में कोई बढ़िया खुशखबरी मिल सकती है जिसके कारण आपका मूड काफ़ी बेहतर होगा। धन का सही निवेश करेंगे तो आज भी मौज करेंगे, आने वाले वक्त में भी मौज करेंगे। आज आप भविष्य को सुधारने के लिए कुछ अच्छे फैसले या धन का निवेश भी कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में सावधान, अपना ध्यान रखिएगा सेहत के प्रति। किसी महिला का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है या किसी भी इंसान का दिल मत दुखाइएगा, जानवरों को परेशान मत करिएगा और गरीबों की बद्दुआ मत लीजिएगा, उनका कुछ भला करिएगा। अविवाहित लोग का दिल कहीं जुड़ सकता है, अविवाहित लोगों के प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं, अविवाहित लोगों को शादी के रिश्ते आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले आसानी से निपट सकते हैं और जीवन साथी और आपका परिवार तरक्की कर सकता है, जीवन साथी की तरक्की भी दिख रही है। ससुराल से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, घबराए नहीं, नौकरी करने वाले लोग और व्यापार करने वाले लोग आज अपने अनुभव, अपने मेहनत और अपने दिमाग से अपना सिक्का जमाने में कामयाब होंगे। बात करेंगे 13 मार्च 6 बजे के बाद का समय और 14 मार्च का पूरा दिन की, तो अष्टम भाव में होंगे चंद्रमा, यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन परेशानी व्यर्थ की चिंता आपके दिमाग में हो सकती है। आपको टेंशन को दूर करने के लिए क्या है, मौज मस्ती करिए, मूड को अच्छा रखिए, वो चीज़ें देखिए, वो चीज़ें सुनिए, उन लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव हों और अनावश्यक तनाव से दूर रहें, बात बात में झगड़े ना करें, कम बोलें, अच्छा बोले, अच्छा भोजन खाएं, मांसाहार शराब वगैरह न इस्तेमाल में लेकर आए, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में अपनी तरफ से कोई गलती ना करें कि तनाव हो, किसी को धोखा देने की ना सोचें, रिश्तों में धोखा देने की ना सोचें, कोई अवैध प्रेम संबंध चलाने की ना सोचें, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा अगर आप नहीं करेंगे तो वक्त आपके पक्ष में होगा। इस समय में लोग आपको धोखा दे सकते हैं और या फिर आप भी किसी को धोखा दे सकते हैं। एकांतपन, चुप्पी, आलस, ये सब आपके दुश्मन होंगे, इन सबसे बचने की कोशिश करिएगा। दुनिया में रहना है तो दुनिया के लोगों के बीच में रहना सीखिए, भागिए मत, अगर आप इस वक्त से भागेंगे तो ये वक्त आपको और परेशान करेगा। तो लड़िए और जीतिए और दुनिया के जितना बीच में रहेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। एकांत में रहना आपको पसंद होगा लेकिन एकांत में हाथ कुछ नहीं आएगा बल्कि आप दुनिया से कट जाएंगे। नुकसान देगा आपको आलस, नुकसान आपको देगा धोखाधड़ी, नुकसान देगा आपको ईर्ष्या जलन, नुकसान आपको देगा दूसरे की मेहनत को ना देखना, दूसरे की तरक्की को देखकर जलना, और नुकसान आपको देगा रिश्तों में उतार चढ़ाव का होना, नुकसान आपको देगा एक्सीडेंट वगैरह होना। अब एक्सीडेंट कोई जरूरी नहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, किसी का दिल टूट जाए, किसी ने अपने प्रियतम से, अपने लव पार्टनर से उल्टी सीधी बात कर ली, उसने बोल दिया जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता या नहीं करती या कोई लड़ाई हो गई, तो यहाँ पर भी दिल टूटा, ये भी एक एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है और भी अन्य चीज़ों का हो सकता है। आपने अपने बॉस से सही तरीके से बात नहीं करी, बॉस ने कहा जाओ तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी, घर पर बैठो आराम करो, 3 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये भी पैसों का एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि कोई गाड़ी टक्कर मारेगी, वो भी मार सकती है या पैर भी टूट सकता है, लेकिन दिल भी टूट सकता है और पैसों का जो आना है उसका रास्ते में भी दरार पड़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने चाल चलन को ठीक रखना होगा,
तभी ये वक्त आपके पक्ष में हो सकता है। आपको मीठे चावल भगवान शिव को चढ़ाने हैं और शिव जी का जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें, हो सके तो रुद्राभिषेक भी करा लें, और गुड़ और गेहूं का दान भी आपको फायदेमंद रहेगा। आपका जो इस सप्ताह का भाग्य प्रतिशत है वो लगभग लगभग 58% के करीब करीब है। थोड़ी सी मेहनत करके इसको बढ़ाइए और सतर्क रहेंगे तो फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो सप्ताह और भी बेहतर हो सकता है, और गड़बड़ है तो फिर और खराब की भी उम्मीद की जा सकती है। तो सब कुछ आपके ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कुछ कैसे करते हैं। परेशानी है, समस्याएं हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में और अपने बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा शिव का प्रिय रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाए, उसके फायदे क्या होते हैं, मैं आपको अब बताऊंगा, ताकि इस शिवरात्रि में आप शिव के और करीब आए और जीवन में सुख पाए। थोड़ा विस्तार से जानिएगा ताकि आपको भी हर एक बात समझ में आए, और जो बात समझ में आती है उसको कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिशक्ति कवच क्या होता है। यह है त्रिशक्ति कवच, जिसमें तीन रुद्राक्ष डाले गए हैं। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष इसलिए ओरिजिनल और बढ़िया फलदायक होता है क्योंकि वो मीठा बीज होता है, अच्छा बीज का फल होता है। और शिव को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। कहते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव का बहुत क्लोज होता है, बहुत प्रिय होता है, शिव का अंश बन जाता है, उनके जिगर का टुकड़ा बन जाता है। और शिव उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं, और धरती आकाश पाताल में से कोई भी ऐसी चीज जो भी नकारात्मक हो उस इंसान को छू भी नहीं सकती। तो ये त्रिशक्ति कवच तीन रुद्राक्षों से बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। शिव प्रसन्न तो ग्रह शांत, शनि शांत, शनि की साढ़े साथी शांत, काल सर्व दोष शांत, अनेक अशुभ प्रभाव शांत, ग्रहों की शांति। उसके साथ साथ तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शांत, शत्रु शांत, बच्चों की पढ़ाई तेज, व्यापार नौकरी में तरक्की। जहां पर आप जाएंगे शिव के रूप में आपको पूजा जाएगा या शिव के रूप में आपकी छवि बनेगी, क्योंकि आप शिव का अंश हैं। इसको धारण करने के बाद कहावत है, मान्यता है, कई जगहों पर लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो धरती पर भी परम सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक को जाता है, बीमारियों से मुक्ति। और त्रिशक्ति कवच में बहुत सारी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ताकत, इसलिए ये विशेष है। अच्छे वर की प्राप्ति, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति, कर्जे चढ़े हैं तो मुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं, और जब आप तीनों लोकों के स्वामी के प्रिय बन जाएं तो आपको कष्ट नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं। ये कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि विधान हम आपको सब बताएंगे। ये चांदी में मढ़ा हुआ और धागे में मढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसकी कीमत है 2,400 रुपये जो कि धागे में होगा, और 5,100 रुपये कीमत है जो कि चांदी में मढ़ा हुआ होगा। चांदी में पहनना या धागे में पहनना बात एक ही है, उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, बस चांदी की कीमत उसमें ऐड हो जाती है। मजबूती के साथ बनाया जाता है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा, विधि विधान से आपके घर कोरियर के द्वारा इन्हीं पैसों में भेजा जाएगा, और आपको लाभ होगा। ये भी तय है, आप इसको मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। L1 L2 2,400 रुपये और 5,100 रुपये का है, और आप इसको लेकर जीवन में शिव के विशेष भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता जरूरत से ज़्यादा लाए और आपको वो सब कुछ दिलाए जिसकी आपने कामना की थी, जो इतने वर्षों से आपको अभी तक नहीं मिला,
मार्च 2021 में शिव की कृपा से आपको वो सब मिलने का शुभारंभ हो जाए। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, जय शिव शंकर।